Hello dear friends, let us start in a chapter determinant with a illustration number 40. Prove that b plus c a b c plus a b c a plus b is equal to 4 a into b into c. देखिए दोस्तों, पहले से ही हम यहाँ पर एक्सपांशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, हो सके इतना हम सिंपल करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर हमें b दिख रहा है, c और यहाँ पर b एंड c है, तो b को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, c को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स b प्लस c होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स a प्लस c होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स a प्लस b होगा, ये भी कर सकते हैं. अदरवाइज आपने देखा होगा यहाँ पर a है, यहाँ पर a, तो आपने क्या किया होगा, a जो है उसे हम इस कॉलम को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में ऐड करेंगे, ये भी हम कर सकते हैं. ऐसा करने से एक बात ये होगी कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 कंपोनेंट मिल सकते हैं. लेकिन हालांकि कोई बात नहीं, वही मेथड में सुटेबल लगती है. तो कॉलम 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं कॉलम 3 में. समझ रहे हैं दोस्तों? या तो फिर आप ध्यान से देखिए, इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर 0 मिलेगा. इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 मिलेगा. इसी तरह यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कैलकुलेशन होती रहेगी. सिमिलरली कॉलम 1 जो है उसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये थोड़ा मुझे और लग रहा है, क्योंकि टॉपिक कॉम्प्लिकेशन थोड़ा हो जाएगा, 3-3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, रो 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करते हैं. सिमिलरली रो 3 को भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करेंगे हम. देखो इससे क्या होगा, हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स मिल जाएगा 0, यहाँ पर डी रहेगा, यहाँ पर सी, एस इट इज. अब यहां पर ध्यान से देखिए, ए ऑलरेडी है, सी माइनस होकर के आएगा, ए माइनस होकर के आएगा और सी माइनस होकर के आएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस टू सी, सी प्लस ए सी. क्लियर दोस्तों? ए ऑलरेडी है यहां पर, इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके यहां डालेंगे तो माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, ए कैंसल होकर के क्या रहेगा, माइनस टू बी, बी ए प्लस बी, ऐसा मिलेगा. क्लियर? अब क्या कर सकते हैं, यहां से हम माइनस टू कॉमन ले लेते हैं. ध्यान से देखिए दोस्तों, माइनस टू हमने कॉमन ले लिया, जीरो बी सी, माइनस सी, सी प्लस ए सी, माइनस बी, बी ए प्लस बी. अब यहां पर देखिए, दोनों जगह पर बी है, आप समझ रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले R1 को 1 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करेंगे दोस्तों. सिमिलरली R1 को 1 से मल्टीप्लाई करके हम R3 में ऐड करेंगे. ठीक है दोस्तों? हमें हो सके इतना सिंपल क्वेश्चन करना है. ध्यान दीजिएगा, माइनस टू इंटू, अब देखो क्या मिलेगा हमें, पहली रो 0, माइनस सी, माइनस बी, एज इट इज रहेगी. 0 तो लोग उससे भी मल्टीप्लाई करके दूसरे में डालोगे तो यहां पर कंपोनेंट सी रहेंगे. माइनस सी को हम यहां ऐड करेंगे तो सी कैंसिल होकर के हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा. माइनस सी को यहां ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0. सिमिलरली यहां पर 0 मिलेगा और यहां पर हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा. चलो दोस्तों, ये बात क्लियर है.
अब हम कुछ न करेंगे, सीधा ही एक्सपांशन करेंगे, जीरो के साथ सब कुछ जीरो, दूसरा कंपोनेंट ऑपोजिट होगा तो प्लस सी इंटू, इसके साथ में कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, ए बी माइनस जीरो, तीसरा कंपोनेंट का बी, इसके साथ में कौन आएगा तो जीरो माइनस ए सी, माइनस टू इंटू यहां पर ए बी सी माइनस माइनस कुछ गड़बड़ी हो गया, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, कुछ तो रुपए ए बी माइनस जीरो होगा ये, हाँ माइनस टू कॉमन लिख लेंगे, सिर्फ टू कॉमन लिख लेंगे, माइनस टू कॉमन लिखे तो यहां सही चेंज हो जाती है ना, इसलिए हमने कॉमन ले लिया सिर्फ टू, तो टू इंटू एबीसी प्लस एबीसी ये हो जाएगा टू एबीसी इंटू टू, मतलब और ए बी सी, देखो है ना सिंपल, इस तरह से हम करेंगे तो टाइम सेविंग होगा। आपने क्या किया, इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई इसमें डाल दिया, इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई यहां बिल्कुल चलेगा, लेकिन इससे एग्जाम्पल की लेंथ बढ़ेगी, टाइम ज्यादा कंज्यूम, लेकिन वो मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है, तो निराश मत रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 14। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 में, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 एक्सरसाइज 4.2, इसमें सेकंड वन जो क्वेश्चन है वो डिटरमिनेंट वाई प्लस के वाई 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 प्लस के वाई y y y plus k is equal to, हमें प्रूव करना है k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं लेट LHS बी एम दिस, इसे थोड़ी देर के लिए आप बोल रहे हैं। देखो कोई भी ऑपरेशन जब आप करते हो तो हमें ऐसा दिख रहा है कि देखो यहां पर y है यहां पर y है, तो इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके चलेगा, इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके आप इस प्रकार बिल्कुल चलेगा, आप कॉलम की ऑपरेशन ले सकते हैं प्रोसेस या रो की भी प्रोसेस ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या चाहिए 3y प्लस k चाहिए, तो 3y कैसे आएगा, यहां पर y है यहां पर y, इन दोनों को इसमें एड करेंगे, यहां पर देखिए y y y 3 टाइम्स होगा, देखिए तो सबसे पहले हम इसे हम सेव कर देते हैं, तो कॉलम टू को वन से मल्टीप्लाई करके कॉलम वन में एड करेंगे, सिमिलरली कॉलम थ्री को भी वन से मल्टीप्लाई करके कॉलम वन में हम एड करेंगे, तो कॉलम वन में हमें कौन से कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, समझिए दोस्तों। अब क्या रहेगा, वाई y y plus k y y y plus k, फर्स्ट कॉलम में से 3y plus k हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 1 1 y y plus k y y y y plus k, क्या आप समझ रहे हैं उसको, देखिए अब तो सिंपल ही है, हम क्या करेंगे, रो वन है उसे हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में ऐड करेंगे, सिमिलरली रो वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में हम ऐड करेंगे, तो यहां पर देखिए 3y प्लस के, ध्यान से देखिए ऐसा क्यों किया, तो यहां पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तो ऑपरेशन वन में नहीं किया लेकिन वन के द्वारा ऑपरेशन किया, यहां वन वाई वाई इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके याद आएगा तो जीरो,
y निकल कर के सिर्फ जीरो, इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे तो जीरो जीरो एंड सिर्फ k। अब हम इसका एक्सपांशन करेंगे 3y प्लस k इंटू वन के साथ में, देखिए दोस्तों इनका प्रोडक्ट होगा k स्क्वायर माइनस इनका प्रोडक्ट होगा जीरो, दूसरा का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव वाई। अब यहां पर देखिए इनको छोड़कर जीरो इंटू के मतलब जीरो माइनस जीरो रहेगा, थर्ड कंपोनेंट वाई ही है तो इसे छोड़कर जीरो माइनस जीरो, तो यहां पर सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये बचेगा क्या सिर्फ के स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज के स्क्वायर थ्री वाई प्लस के विच इज आर एच एस। क्या आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। देखो आप ऐसा ट्राई कीजिएगा, सबसे पहले क्या लाना है तो उस पर जोर लगाइएगा, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो सकती है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस आप घर पे बैठे कौन से क्वेश्चन करेंगे, तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 10 का जो फर्स्ट वन है वो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और भी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, और एग्जाम्पल नंबर 12, हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, तो यह प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम बचेगा तो हमने वीडियो लेक्चर में इसे एक्सप्लेन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। धन्यवाद।